हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार और इस लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। तो पहले हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिराइव करेंगे, लॉजिकली समझेंगे बेसिकली है क्या ये, और उस पर बेस्ड अच्छे बेहतरीन से इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। तो अगर आप इस डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहे हैं, आपने इसके पहले का वीडियो स्टीफन्स लॉ नहीं देखा, तो आप स्टीफन्स लॉ का वीडियो जरूर से एक बार रेफर कर लें, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टीफन्स लॉ का ही एक स्पेशल केस है। क्लियर है पॉइंट ये? तो चलिए काम शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में जहां पे हमने स्टीफन्स लॉ पढ़ा वही उठाते हैं अपन, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ। रेट ऑफ हीट लॉस इज गिवन बाय, फ्रॉम स्टीफन्स लॉ रेट ऑफ हीट लॉस इज गिवन बाय डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर माइनस टी एस टू दी पावर फोर। टी किसका टेम्परेचर है? बॉडी का। टी एस किसका टेम्परेचर है? सराउंडिंग का। सराउंडिंग टेम्परेचर टी एस। हमने पिछले क्लास में स्टीफन्स लॉ के बारे में बड़ा स्टीफन ही स्टेटमेंट दिया था और वहीं पे निकाला था हमने रेट ऑफ हीट लॉस। ये है बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस। अब जाहिर सी बात है कि अगर हीट लॉस होगी बॉडी में तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। तो डी क्यू, ये भी मैंने स्टीफन्स लॉ के टाइम पर डिस्कस किया था आपसे। डी क्यू इज, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई डायरेक्ट अगर आ गया और ये देखे तो उसे समझ में आए। डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, जैसे डेल्टा क्यू बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। लेकिन यहां पे अगर डी क्यू लिखोगे तो इसे एम एस डी टी लिखना चाहिए, लेकिन यहां पे मैं माइनस साइन लगा रहा हूं, ध्यान देना। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हीट लॉस करेगी अगर बॉडी तो टेम्परेचर फॉल करेगा। डी टी मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फॉल करेगा तो डी टी नेगेटिव होगा, और डी टी नेगेटिव होगा इसलिए पॉजिटिव करने के लिए मैं माइनस साइन लगा दिया। तो डी क्यू उठा के ऊपर रख दे यहां, तो यहां से उठा के रखोगे तो आ गया माइनस एम एस डी कैपिटल टी अपॉन स्मॉल टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर माइनस टी एस टू दी पावर फोर। तो यहां से आगे वैल्यू माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए अपॉन एम एस टी टू दी पावर फोर माइनस टी एस टू दी पावर फोर। इसे क्या बोलते थे अपन? माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी क्या बोलते थे? रेट ऑफ कूलिंग। पिछले लेक्चर में यहां तक की बातें मैंने डिस्कस कर ली थी। स्टीफन्स लॉ में भी ये चीजें, अगर कोई स्टीफन्स लॉ का वीडियो किसने देखा हो तो यहां तक चर्चा हमने करा है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी करे थे पिछले क्लास में। अब ध्यान देना, जैसे कि मैंने बोला आपको, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो स्टीफन्स लॉ का ही अप्रोक्सीमेशन है। अगर मान लो कि बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सपोज बॉडी एंड सराउंडिंग हैव लेस टेम्परेचर डिफरेंस। लेस मतलब कितना लेस, ये भी सवाल आता है मन में कि कितना बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का न्यूटन्स लॉ कूलिंग लगा सके। ये चर्चा करूंगा मैं ताकि आपको रटने वाली फीलिंग ना आए। फिलहाल मान के चलो कि बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस है सराउंडिंग के बीच में, दो डिजिट का मान सकते हैं आप। जैसे मान लो कि बॉडी जो है वो है 80 डिग्री सेल्सियस पे और सराउंडिंग जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा मान सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि बॉडी जो है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे हो और सराउंडिंग 27 पे हो, तीन डिजिट का डिफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। बॉडी और सराउंडिंग में अगर दो डिजिट तक का टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाना फिजिबल होगा। ये कहीं किसी किताब में लिखा नहीं मिलता, ये मैं किस आधार पे कह रहा हूं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। तो मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर जो है सराउंडिंग टेम्परेचर से डेल्टा टी ज्यादा है, टी एस प्लस डेल्टा टी, ये चाहे तो अपन लिख सकते हैं यहां पे। तो यहां से आ गई वैल्यू माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी, टी की वैल्यू उठा के यहां पर रख दो तो आ गया ई सिग्मा ए अपॉन एम एस, ये आ गया टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर फोर माइनस टी एस की पावर।
ध्यान से देखना जरा, डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। आप चाहे तो लिख दीजिए, वो लिखा भी मैंने यहां पे, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग। टी एस इधर कर दो तो टी माइनस टी एस वही आएगा ना डेल्टा टी। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए कितने कितना टेम्परेचर डिफरेंस तक वैलिड हो सकता है? तो अगर बॉडी सराउंडिंग के बीच में, आप चाहे तो कॉपी में अपने लिख लें यहां कि बॉडी सराउंडिंग के बीच में 2 डिजिट तक का डिफरेंस होगा तब तक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है। इसमें सारे टेम्परेचर कायम रहते हैं, फारेनहाइट में, सेल्सियस में, कायम रहते हैं, केल्विन में, है ना। स्टेबल थर्मल डिफरेंस क्या था? ये टी जो है, टी या टीएस कौन से टेम्परेचर से? ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, मतलब केल्विन में। मतलब अगर ये लगा रहे होगे तो अगर मान लो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्वेश्चन में क्या रखोगे? केल्विन में कन्वर्ट के लिए 273 जोड़ेंगे तो 27 + 300, ऐसा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ध्यान दें, टीएस कॉमन करके बाहर निकाल दें तो आ गया माइनस वी कैपिटल टी अपॉन डी टी। टीएस इससे कॉमन करके इधर निकाल दो, यहां से भी निकाल दो तो आ गया ई सिग्मा ए टीएस टू दी पावर 4 अपॉन एम एस। अंदर में बच जाएगा 1 + δt अपॉन ts की पावर 4 - 1। बाइनोमियल एक्सपेंशन है 1 + x की पावर n। देखो शुरू से अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, वेक्टर से लेके यहां तक आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आप नोटिस कर रहे हो कि ये बाइनोमियल एक्सपेंशन मैंने कितनी बार इस्तेमाल करा है, रोटेशन में, SHM में, बहुत जगहों पे इस्तेमाल हुआ, आज फिर आपके सामने हाजिर है। तो ये 1 + nx + हायर पावर्स ऑफ x। जरूरत नहीं पड़ती, वरना क्या होता अगला टर्म क्या होता? n(n-1)/(l)2x², n(n-1)(n-2)/(3x³), ऐसा बढ़ता जाता वो, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन। आप जरा ध्यान दें, ये वाला जो टर्म है डेल्टा टी अपॉन टी एस, ये बहुत हाई नहीं है, प्रैक्टिकली थोड़ा सा फील दिलाता हूं आपको मैं। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर, मान लो फिर मैं क्या दूंगा यहां पे, आप चाहो तो मैं इधर लिखता हूं समझने के लिए लिख रहा हूं। मान लो कि बॉडी का टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर वो है मान लेते हैं 57 डिग्री सेल्सियस। मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो 27 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है? सेल्सियस में अभी लिखा है मैंने, तो डेल्टा टी अपॉन टी एस कितना हो जाएगा भाई? डेल्टा टी टेम्परेचर का डिफरेंस, चाहे केल्विन स्केल पे लो चाहे सेल्सियस स्केल पे, डिफरेंस तो वही रहता है, डिफरेंस वही रहता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 57 + 273 केल्विन में, फर्क नहीं पड़ता डिफरेंस तो वही होगा, -27 + 273 केल्विन में, डिवाइडेड बाई टी ए सराउंडिंग टेम्परेचर, सराउंडिंग 27 है तो 27 + 273, ये कितना कट जाएगा, 30/300, वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। ध्यान देना जरा, डेल्टा टी अपॉन टी एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का थोड़ा बेटर फील आ जाए। आप जरा ध्यान से देखें, डेल्टा टी अपॉन टी एस की जो वैल्यू है, मैंने मान लिया कि बॉडी 57 पे, सराउंडिंग 27 पे है, तो डेल्टा टी अपॉन डीएस की वैल्यू आ गई 1/10। अब इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में अगर आप इससे तुलना करेंगे इसकी, तो यहां डेल्टा टी अपॉन डीएस है, यहां पे एक्स है, तो 1 + nx के बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता। अगर आप इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों की, तो यहां पर एक्स है, यहां पर डेल्टा टी अपॉन डीएस है, डेल्टा टी अपॉन डीएस की वैल्यू कितनी आई है, 1/10, मतलब 0.1, है ना। अगर इस एक्सपेंशन में एनएक्स के बाद वाला टर्म लेता तो एक्स स्क्वायर आता वहां पे, तो 0.1 का स्क्वायर क्या आता, 0.01, फिर क्यूब आता 0.001, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यूज होती हैं, इसलिए हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर सकते हैं अपन। और जरा देख लीजिए टेम्परेचर का जो डिफरेंस आया है दोनों के बीच में वो कितने का आया, 30 डिग्री, इसलिए मैंने बोला 2 डिजिट, क्योंकि नीचे जो भी सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, जो भी होगा, उसमें 273 तो ऐड करोगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर चाहिए होता है ना हमें इसमें, तो ये 3 डिजिट में आ जाएगा। ऊपर अगर 2 डिजिट में डिफरेंस रहेगा अगर, तो जाहिर है 0 पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, तो आप सेकंड वाला टर्म जो है स्क्वायर वाला, इसके बाद जो स्क्वायर का टर्म आता उसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर यही प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें मैं आपको आती होंगी, बस मेरे एक आध बच्चे भी ऐसे हों जिसको समझ में ना आता हो, उसके लिए लिख दिया मैंने यहां पे। अब आओ
जो काम कर रहे थे उसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना। तो यहां से चाहे तो लिख सकते हैं माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई सिग्मा ए टी एस टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एम एस। और ध्यान से देखना सर, अगर आप इसकी कंपेरिजन से करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह 4 है, 4 एक्स की जगह है डेल्टा टी अपॉन टी एस। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया हमने, 0.01002 फर्क नहीं पड़ता, बहुत स्मॉल वैल्यू है, और लास्ट में है माइनस 1। ये 1 तो कैंसिल हो गया, यहां पे टी एस है तो कट जाएगा, मतलब यार काट पिट कर लूं अगर मैं तो माइनस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी आ गया ई सिग्मा ए 4 बाहर, तो 4 ई सिग्मा ए, ये 4 निकाल गया बाहर, ये टी एस कट गया तो आ गया टी एस क्यू बाई एम एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर है पॉइंट ये? अब जरा ध्यान से देखें आप, किसी भी बॉडी के लिए ये वाली चीज तो एक कांस्टेंट है ना, और इसलिए बोला मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रट के आप क्वेश्चंस नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बहुत सी चीजें ऐसी आ जाती हैं बीच में जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड नहीं होती, इसलिए आपको फील के साथ पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए जरा, किसी भी बॉडी के लिए ई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, उस बॉडी का एरिया कांस्टेंट है, सराउंडिंग की टेम्परेचर कांस्टेंट है, बॉडी की मास कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है। तो के से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, वो के थर्मल कंडक्टिविटी वाला के नहीं भैया, जनरल कांस्टेंट के है। तो माइनस डी कैपिटल टी इज इक्वल टू के डेल्टा टी, या जैसा किताबों में लिख देते हैं मैं वैसा लिखूं अगर, तो डी कैपिटल टी अपॉन डी स्मॉल टी माइनस अदर कर दें तो माइनस के डेल्टा टी। मैंने के किसकी जगह रखा है, ये पूरी वैल्यू को मैंने यहां बोल दिया है के। तो ये जो फाइनल स्टेटमेंट है आपका वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करते हैं बहुत जगहों पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ से भी कर लो, तो डी थीटा अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा थीटा ऐसा भी मिल सकता है आपको। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेटमेंट, और जाहिर है कहां से आया है, स्टीफंस लॉ को अप्रोक्सीमेट करा हमने तो ही आया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ स्टीफंस लॉ स्पेशली व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग इज विद इन 2 digits, 2 digit में हो या उससे कम हो तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं आप। अब मान लो कि टेम्परेचर डिफरेंस मान लो आ जाए 300, तो अब 300 डिफरेंस आएगा डेल्टा टी, तो 300 अपॉन 300 करते हैं, अभी जो मिटा दिया मैंने तो 1 आता ना, तो वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना अपन। तो टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी सराउंडिंग के बीच में 2 digit के अंदर रहा या 2 digit रहा तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीन पॉज करिए, सारी चीजें समझते हुए नोट करिए, अब हम इसके इलस्ट्रेशन की तरफ चलेंगे, और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं हम बात करते हैं इसके बारे में, जल्दी से आप इसे नोट कर लें। आइए अब इन दोनों इलस्ट्रेशन पे काम करते हैं अपन। एक बॉडी, इसकी इनिशियल टेम्परेचर टी आई, सराउंडिंग टेम्परेचर टी एस, बाकी सारे पैरामीटर जो ले रहे हैं आप वो ले लो, एम एस के जो भी कह रहे हैं, टेम्परेचर बॉडी की निकालो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलिए निकालते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या पढ़ा हमने अभी, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी। अब लेकिन के की वैल्यू भी आप याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट हेड होता है, के की वैल्यू अभी कितना निकाली हमने अभी, 4 ई सिग्मा ए टी एस क्यू अपॉन एम एस है ना, ये के की वैल्यू थी, अभी आप देख लो मैंने तो मिटा दिया, अभी आपकी कॉपी में लिखा होगा, जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल यहां पे, लेकिन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जो कांस्टेंट के होता है वो भी जहन में रखना जरूरी है। अब आइए तो लिख सकते हैं अपन डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के बॉडी टेम्परेचर टी माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टी एस, किसी भी टी टाइम पे बॉडी टेम्परेचर टी, टी आई तो इनिशियल टेम्परेचर है ना भैया, रीअरेंज कर दें तो आ गया डी कैपिटल टी अपॉन टी माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के डी टी। इंटीग्रेट कर दें अगर दोनों तरफ, ध्यान देना जरा, टी इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर टी आई, और किसी भी टाइम टी पे बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल टी,
तो डीटी अपॉन टी ये क्या आ जाएगा, एल एन टी माइनस टी एस, लिमिट है टी आई से टी, और ये आ जाएगा माइनस के टी, डीटी का इंटीग्रेशन टी, लिमिट रख दो टी माइनस जीरो तो वही आ जाएगा। लिमिट्स रख दें, अगर लिमिट्स रख दें तो लॉग ए, पहले टी की जगह टी रख दें तो आ जाएगा लॉग टी माइनस टी एस माइनस साइन, देखिए लोअर लिमिट रखोगे तो टी की जगह इनिशियल टेम्परेचर टी आई, तो एल एन वही टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के टी, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, तो आ जाएगा एल एन टी माइनस टी एस बाई टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस के टी। एल एन ए लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, वही लिखा मैंने। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इस वाले में इंक्रोचमेंट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये आ गई वैल्यू, यहां से लॉग हटाओगे, लॉग हटाओगे तो आ जाएगा, इस क्वेश्चन की बाद में थोड़ी देर बात करता हूं। तो लॉग हटाओगे तो इस लॉग का बेस क्या है, कैलकुलस में लॉग का बेस क्या लेते हैं अपन, ई, मतलब यह आ गया टी माइनस टी एस डिवाइडेड बाई टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस के टी। ये लॉग की कन्वर्जन में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, तो बेसिक चीज है बिल्कुल। अब यहां से टी जी हम एज ए फंक्शन निकाल दो यहां से, तो आ गया टी माइनस टी एस इज इक्वल टू टी आई माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी, टी एस अगर भेज दें तो आ गया टी इज इक्वल टू टी एस प्लस टी आई माइनस टी एस ई टू दी पावर माइनस के टी। ये है टेम्परेचर बॉडी की, कि बाकी चीजें तो कॉन्स्टेंट टर्म्स है, सराउंडिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, इनिशियल टेम्परेचर पता ही है, तो ये टाइम पर डिपेंडेंट है। ये है बॉडी के टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है बॉडी। तो अब मुझे यहीं पर ये चीजें बतानी पड़ेगी, इसका आंसर लिख देता हूं मैं। इसका आंसर अभी क्या लेकर आए, अभी अपन बॉडी का टेम्परेचर आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी एस प्लस टी आई माइनस टी एस ई टू दी बार माइनस के टी। ये फॉर्मेट भी याद रखते हैं लोग, आप चाहो तो ये फॉर्मेट भी याद रख सकते हो, और ये रहा यहां से, याद ना भी रखें तो आप डिराइव करके निकाल सकते हैं तुरंत से। आप सेकेंड क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो मुझे अब यहां वाला पार्ट बताना पड़ेगा। आप चाहें तो यहीं पर स्क्रीन पॉज करिए और यहां तक नोट कर लें, नोट कर लो भैया जल्दी से, यहां से लेके वहां तक या फिर निकाले तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करूंगा उस सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो आंसर मैंने यहां पर लिख दिया जो लेकर आया था, अब ये मिटा रहा हूं। ध्यान देना क्या कह रहे हैं वो, कि एक बॉडी है सेकंड क्वेश्चन में, एक बॉडी का टेम्परेचर 50 से 40 होता है 10 मिनट में, तो 40 से 30 कितने टाइम में होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना बोला उनने 20 डिग्री सेल्सियस है ना। आइए चलिए निकालते हैं, जो निकाला ये यूज कर लो, हमारे पास है एल एन टी माइनस टी एस बाई टी आई माइनस टी एस इज इक्वल टू ई टू दी पावर सिर्फ माइनस के इज इक्वल टू माइनस के टी। तो केस फर्स्ट 50 से 40 डिग्री टेम्परेचर, मतलब इनिशियल है टी आई जो है वो है 50 और घट के हो गई टी टाइम डाल 40, और इसमें टाइम कितना लगा 10 मिनट का। ये सारी चीजें रख दें, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है, सराउंडिंग टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब आप ये इस रिजल्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो चाहो तो, यह आ गया एल एन टी की जगह पर जो फाइनल टेम्परेचर हुआ है 40 माइनस टी एस मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिवाइडेड बाई टी आई, शुरू में टेम्परेचर 50 था तो 50 माइनस टी एस सराउंडिंग का तो वही है 20 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 मिनट। सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कटपटी आएगा वो, तो अब चाहो तो करो वरना नहीं करो। मतलब ये आ गई पहली क्वेश्चन आ गई यहां से एल एन 40 माइनस 20 कितना आ गया 20, और ये आ गया 50 माइनस 20 कितना आ गया 30,
30 आ गया वैल्यू, लॉग 20/30 मतलब ln 2/3 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10। इसे मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ln 2/3 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10, 10 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेकंड केस देखिए प्लीज, केस नंबर टू, कह रहे 40 से 30 मतलब इनिशियल टेम्परेचर है 40 और टी टाइम के बाद टेम्परेचर जो है वो हो गई 30, सराउंडिंग टेम्परेचर तो वही आपकी 20 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी टी टाइम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में किसी भी टी टाइम के बाद टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये निकाला हमने, ये लॉग के फॉर्मेट में है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, रिजल्ट ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ये भी हो सकता है ना। तो अभी निकाला हमने, तो अब इसका इस्तेमाल करते हैं, आइए रखिए यहां पे वैल्यू, तो ये आ गया ln, ध्यान देना टी माइनस टीडीएस, तो टी मतलब फाइन ड्रॉप होगी जितना हुआ 30, टीएस सराउंडिंग का है 20, टीआई माइनस टीएस, टीआई मतलब शुरू में जहां से ड्रॉप हुआ टेम्परेचर, तो 40 से 30 हुआ, ये 40 सराउंडिंग का 20 माइनस के टी, क्योंकि ये टाइम टी नहीं मालूम, वही तो पूछ रहे हैं वो कितने टाइम के बाद 40 से 30 हो जाएगा, मतलब ये आ गई वैल्यू 30 माइनस 20 कितना आ गया 10 और 40 माइनस 20 कितना आ गया 20, तो log 10/20 मतलब ln 1/2, ये आ गया ln 1/2 इज इक्वल टू माइनस के टी, इसे सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट डिवाइड सेकंड कर लें, फर्स्ट डिवाइड सेकंड, सेकंड डिवाइड फर्स्ट जो लिखना है लिख दो, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, तो क्या आ गई वैल्यू ln 1/2 ln 2/3 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 10 माइनस के इंटू टी, सब कट जाएगा यहां से, के के कट जाएगा ln की वैल्यू से, यहां से टेम्परेचर टी निकाल सकते हैं। मैं बच्चा बोले सोचे कि ln 1/2 की वैल्यू कैसे लाऊं, ln 2/3 की वैल्यू कैसे लाऊं, तो ऐसा डेटा क्वेश्चन में वो आपको दे देंगे, इसलिए आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने ऐसा उठाया अपने मन से कुछ भी डेटा देकर, तो इस तरह की जो वैल्यू से वो निकाल सकते थे, डिवाइड कर दिया सेकंड को फर्स्ट डिवाइड कर दिया हमने, तो के कट गया बस टी बचेगा, वो टी यहां से निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताया मैंने टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, या ये सेगमेंट भी ठीक है, ऑप्शन हो सकता है ln के ही फॉर्म में दे दें वो, और दूसरा क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल डेटा का क्वेश्चन दिया मैंने, तो जल्दी से आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके से नोट कर लें, एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। इस क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, पिछले क्वेश्चन जैसे ही लग रहा होगा आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशलिटी है, कुछ खास बातें हैं, आइए बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन बिल्कुल स्टेटमेंट वैसे ही है कि 50 से 48 बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ 2 मिनट में, तो 48 से 46 कितने टाइम के बाद, सराउंडिंग टेम्परेचर दिया उन्होंने 20 डिग्री सेल्सियस, तो सुनने में तो लगता है कि पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, लेकिन कुछ फर्क है, फर्क मैं आपको समझाता हूं। हम इस क्वेश्चन में नोट्स में अपने इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना भाई, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जब हमने स्टीफंस लॉ को अप्रोक्सीमेट करा, उसका अप्रोक्सीमेशन किया हमने बाइनोमियल थ्योरम से, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मिली, यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी अप्रोक्सीमेट होगा। कैसे देखो, अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और वो ड्रॉप सिंगल डिजिट में है, वो भी बहुत ज्यादा 2-3-4 डिग्री से ऐसा, अगर बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है सिंगल डिजिट में, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को अप्रोक्सीमेट करेंगे अपन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या पढ़ा हमने, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के डेल्टा टी, इसी को लिख सकते हैं अपन, डी कैपिटल टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के, किसी भी टाइम टी पे बॉडी टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस, ये होना सर टेम्परेचर डिफरेंस। इफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी falls within a single digit, say 2 degree Celsius, 3 degree Celsius, 4 degree Celsius, so on,
सिंगल डिजिट में टेम्परेचर ड्रॉप होगा अगर बॉडी का, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एनएमसी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, मे बी अप्रोक्सीमेटेड एज, मे बी अप्रोक्सीमेटेड एज, अगर बॉडी का टेम्परेचर सिंगल डिजिट में ड्रॉप हुआ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अपन। कैसे? आप जरा वो देखिए, डीटी को लिख दो चेंज इन टेम्परेचर, डीटी को लिख देंगे चेंज इन टेम्परेचर, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर टी वो अप्रोक्सीमेट कर दें तो टी आई प्लस टी एफ बाय टू, इनिशियल फाइनल का एवरेज, और ये रख दें यहां पे। तो ये आगे डीटी को लिख दिया हमने फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, डीटी की जगह टाइम टी, ध्यान देना जरा, डी स्मॉल टी जो है टाइम वाला, उसकी जगह टी टाइम ले लो। तो डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, स्मॉल डी टी की जगह टाइम टी ले लिया माइनस के इस टेम्परेचर टी, ये टी क्या बॉडी टेम्परेचर है, तो इनिशियल फाइनल क्या है, बहुत कम ड्रॉप हुआ है, तो इनिशियल फाइनल का एवरेज ले लें, टी आई प्लस टी एफ बाई टू माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये माइनस साइन में इधर कर दूं, टी आ गया टी आई माइनस टी एफ अपॉन टी इज इक्वल टू के टी आई प्लस टी एफ अपॉन टू माइनस टी एस। ये जो फॉर्मेट है आप इसे स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे अगर याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, निकालना तो बड़े आसान से, ये डी टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर ही लिख दो टी एफ माइनस टी आई, और बॉडी टेम्परेचर को लिख दिया क्योंकि बहुत स्मॉल ड्रॉप हुआ है सिंगल डिजिट में, इनिशियल प्लस फाइनल बाय टू एवरेज लिख दो वहां पे। तो ये जो मैंने अभी ब्रैकेट में डाला यहां पे जो हाईलाइट किया मैंने, ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही, लेकिन उसका अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म। ये इस्तेमाल कब करेंगे आप, जब बॉडी का टेम्परेचर सिंगल डिजिट में फॉल। अब आप इस क्वेश्चन पे लौटिए, आइए केस फर्स्ट 50 से 48 डिग्री टेम्परेचर, फिनिशियल 50, फाइनल 48, टाइम लगा 2 मिनट, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड करोगे तो कड़ी आएगा, आप चाहो तो कर लो, इज इक्वल टू के 50 प्लस 48, 50 प्लस 48 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। ये रही फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है पॉइंट। केस नंबर 2, ध्यान से देखना जरा, सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, 48 से 46 हो गया, तो इनिशियल 48 फाइनल 46, तो रख दो इसमें इनिशियल 48 फाइनल 46, कितने टाइम में और नहीं पता, वो टी अननोन है, इज इक्वल टू के 48 प्लस 46 बाई 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 20। ये रही सेकेंड इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट डिवाइड सेकेंड कर दोगे, अगर डिवाइड कर दोगे दोनों को आप, तो ये के वाला टर्म तो कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ये 50 माइनस 48 2, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो यहां से डिवाइड कर देंगे आप तो ये टाइम मिल जाएगा। तो देखो इसके पहले जो क्वेश्चन करा हमने उसमें लॉग का फॉर्मेट है, नेचुरल लॉग ln वाला फॉर्मेट है, तो वो पेपर में अगर उस तरह क्वेश्चन पूछा हमने, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन ये नहीं लगाया हमने, क्योंकि दो डिजिट में ड्रॉप हो रहा था 50 से 40 40 से 30, तो दो डिजिट में ड्रॉप हो रहा है टेम्परेचर, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्ट लगाइए जो फॉर्मूला है ये वाला, और अगर सिंगल डिजिट में बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का अप्रोक्सीमेट करके ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेटेड फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये भी याद रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, और यहां से यहां पहुंचना जाहिर सी बात है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़े आराम से ये निकाल सकते हैं अपन। तो इन इलस्ट्रेशंस के जरिए मैंने कोशिश करी है आपको कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के फंडे पहुंचा सकूं। आई होप कि जो बातें डिस्कस करी होंगी क्लास में हमने वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर परेशानी हो रही हो तो फीडबैक कमेंट्स में मुझे जरूर से बताएं। तो मिलता हूं मैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।